नमस्कार, वेलकम टू द प्रोब शो। लेट्स बिगिन। आखिर कब तक होता रहेगा इन बेजुबानों का इस तरह शिकार? सरकार ने जानवरों के संरक्षण के लिए 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में ही प्रोजेक्ट लायन, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड 2005 में राइनो विजन 2020 और तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए ताकि इंसान जानवरों के साथ सामंजस्य बैठा सके, उनका शिकार ना करे। लेकिन दुख की बात यह है कि साल दर साल शिकार के कारण कोई ना कोई प्रजाति लुप्त होते रहती है। एक बार इमेजिन कीजिए कि इस दुनिया में सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और सिर्फ इंसान ही रह गया है, तो दुनिया कैसी लगेगी? अब असम के राइनो की बात करते हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस नेशनल पार्क में बहुत अधिक संख्या में एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। वर्षों से असम में इनका अत्यधिक शिकार होता आ रहा है। आखिर लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? तस्करी करने वाले लोग इनके सींग को चाइना, वियतनाम तथा अन्य देशों में महंगे दामों में बेचते हैं। वियतनाम में गैंडे का सींग रखना स्टेटस सिंबल माना जाता है, मतलब लोग दिखावे के लिए गैंडे का सींग रखते हैं। तथा देश में कई लोगों में मिथ है कि इनके सींग से कैंसर तथा अन्य बीमारियों का इलाज होता है, तो असम सरकार इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन सींगों को जला रही है ताकि लोग जागरूक हो सके तथा इन बेजुबानों का शिकार कम हो सके। असम सरकार ने वर्ल्ड राइनो डे यानी 22 सितंबर के दिन कांजीरंगा नेशनल पार्क के पास बोका खाट में 2479 राइनो हॉर्न्स को जलाया तथा 94 सींगों को एकेडमिक पर्पज के लिए संरक्षित रखा गया है। हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है कि आखिर असम सरकार के पास इतने सींग आए कहाँ से? तो बता दें कि जो राइनो प्राकृतिक रूप से मर जाते थे उनके सींग को इकट्ठा कर रखा गया था। धन्यवाद।